कि आप जब नमाज पढ़ाते लोग आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि ये नबीना इनके पीछे होती नहीं है। क्या मतलब है? पता नहीं इसका, वो बस नहीं पता है हमें तो इस चीज़ का पता नहीं। वो कहते हैं इनके पीछे होती नहीं है ये। कैसे नहीं होती? वो कहते हैं कि ये नबीना है। क्या सोच के अकेले यहाँ पे आए दाता साहब पे हाजिरी देने के लिए? आपको ये नहीं आइडिया था कि आप वापस कैसे जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं दाता साहब के सामने मौजूद हूँ। ये हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं, ये यहाँ पे सलाम करने के लिए आए थे और इनको तवक्को थी कि ये शायद वापस चले जाएंगे। इनके पॉकेट में 1500 रुपीज़ थे और ये हाफिज़ कुरान है, ये बच्चों को जो है कुरान पाक पढ़ाते हैं और ये नमाज भी पढ़ाते हैं। अब हम इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात, ये यहाँ पर क्या करें। एक मेन बात जो ये आँखों से अंधे हैं, देख नहीं सकते, नाबीना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अजमल मेरा नाम है जी। कहाँ से ताल्लुक है आप? ज़िला बिहाड़ी से। ज़िला बिहाड़ी से यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ मैं सलाम करने लिया के लिया। साहब जी जी बिल्कुल सलाम कर लिया आप? हाँ जी सलाम मैंने कर लिया है। कितने दिन हो गए? मुझे यहाँ 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हो गए, तो वापस जाने का क्या प्रोग्राम? वापस जाने का प्रोग्राम है, लेकिन हमारी पॉकेट में जो थे वो 1500 रुपये थे, वो तो ख़त्म हो गए। फिर अब कैसे जाएंगे? फिर यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। किसी से लिफ्ट मांगी जी? किसी से लिफ्ट मांगी? लिफ्ट मांगी है, वो कहते हैं जी किराया अगर है तो ठीक है हम इधर बैठ जाएं, फिर तो वो पाँव को हाथ लगाते हैं, जब पैसे नहीं है तो फिर वो ऐसे धकेलते हैं, चलो पीछे। तो कैसे क्या मतलब पाँव को हाथ लगाते हैं? पाँव को हाथ क्यों लगाते हैं? पता नहीं, वो कहते हैं जी आपको हम आपके नौकर हैं, आप बैठे हैं, ये गाड़ी आपकी है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। धकेल देते हैं पीछे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो हाथों से पीछे कर देते हैं। धकेलते क्यों है? वो कहते हैं किराया नहीं है आपके पास। अच्छा जी जी। बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं, सुना है मौलवी भी हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे उस्ताद के शागिर्द हूँ। अच्छा। और मैं कारी भी अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जैसे कि हमें बताया ऑफ द स्क्रीन के आप जब नमाज पढ़ाते लोग आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि ये नबीना इनके पीछे होती नहीं है। क्या मतलब है? पता नहीं इसका, वो बस नहीं पता है हमें तो इस चीज़ का पता नहीं। वो कहते हैं इनके पीछे होती नहीं है ये। कैसे नहीं होती? वो कहते हैं कि ये नबीना है। फिर हम बस पीछे घर आ जाते हैं। 3 दिन से इधर ही हैं दाता साहब जी? बिल्कुल, मैं इधर दाता साहब में हूँ। अच्छा, किस अब मैं घर जा रहा हूँ। कैसे जाएंगे फिर जब देख ही नहीं सकते हैं आप? बस अल्लाह ताला कोई सबब बनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा, फिर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तवक्को क्या है आपकी? तवक्को यही है कि किसी को मिन्नत समाजित करते हैं, अगर वो ले गया तो ठीक है। घर बार है आपका बिहाड़ी में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। कौन कौन है घर में? घर में हमारे 3 भाई हैं, एक वालिद है। तो किसी से कॉल पे बात करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं नहीं, मैंने उसके उनके पास मोबाइल नहीं है। उनके पास नहीं है या आपके पास नहीं है? उनके पास नहीं, मेरे पास तो है। तो किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, मैंने किसी का नंबर नहीं लिया। ये कैसे हो सकता है, आपको याद भी नहीं है? नहीं नहीं याद भी नहीं है, ये सच बात है। अच्छा। हाँ जी। मैरिड है आप? शादीशुदा? नहीं नहीं मैरिड नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो वो परेशान नहीं हो रहे होंगे आपके लिए? परेशानी तो है मुझे, लेकिन परदेश से क्या करूँ। तो आप क्या सोच के अकेले यहाँ पे आए दाता साहब पे हाजिरी देने के लिए? आपको ये नहीं आइडिया था कि आप वापस कैसे जाएंगे? मुझे तकरीबन 20 साल हुए मैं यहाँ पढ़ता रहा हूँ बकर मंडी में। अच्छा, इधर ही पढ़ते रहे? हाँ, मैं हिफ्ज़ करके यहाँ से गया। अच्छा जी। परेशानी इस चीज़ की है, आने जाने की मुझे परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ जो है ये लिफ्ट की है। अच्छा जी, और कोई परेशानी नहीं। चलिए इंशाल्लाह, आप दाता साहब के पास आए हैं, हम दाता साहब की नगरी में आए हैं, तो आपके वापस जाने का सबब इंशाल्लाह।